हेलो फ्रेंड्स, एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं 25 तक आपके लिए नवरात्र स्पेशल वीडियोस लाऊंगी, तो आज की वीडियो भी नवरात्र के लिए ही है, सिंघाड़े का हलवा। बट ये सब जानते हैं कि काफ़ी बोरिंग होते हैं, लेकिन मैंने इसमें दिया है थोड़ा सा ट्विस्ट, जिसकी वजह से ये हलवा काफ़ी टेस्टी और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बन गया है। मतलब आप इसको खाओगे व्रत में तो आपको बहुत एनर्जी मिलने वाली है। तो चलो देखते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम 8 छुहारा लेंगे, या खरीक भी कहते हैं इसको। आप प्रेशर कुकर में डाल के 1 कप दूध के साथ इसको 5 सीटी तक पका लीजिए और बीज को निकाल दीजिए गलने के बाद। अब हम इसको ठंडा करने के बाद ऐड कर देंगे मिक्सर पॉट में। साथ ही 6 बड़ी बादाम, 8 काजू और 1 टेबलस्पून किशमिश को भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और 1/2 कप पानी के साथ इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब लेते हैं एक कढ़ाई और इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून घी, बड़े चम्मच से ऐड करना है आपको, और साथ ही 1 कप सिंघाड़े का आटा। शुरू में आपको टाइट सा लगेगा भूनते हुए, मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रही हूँ आपको। तो आप देख सकते हो ये कितना गीला सा हो गया है और कलर भी इसका थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट का पेस्ट जो हमने पीस कर रखा था। अब इस पेस्ट को भूनना है आपको मीडियम फ्लेम पर, और ये धीरे धीरे बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो मैं ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये कितना ड्राई हो चुका है। ये परफेक्ट स्टेज है जहाँ पर हमें चीनी ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। उसी कप से आपको चीनी लेना है जिस कप से आपने सिंघाड़ा का आटा मेजर किया था, और उसी कप से हम 1 कप दूध भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। धीरे धीरे चीनी मेल्ट होगी और ये हलवा वापस से हलवा जैसा बनने लगेगा। तो आप देख सकते हो कि ये कितना गीला हो चुका है फाइनली। इसको थोड़ा सा और भुनेंगे। यहाँ पर आपको 1 टेबलस्पून घी और ऐड करना है, और इसको बस 1 से 2 मिनट और भूनना है आपको मीडियम फ्लेम पर। और फाइनली आपका हलवा बनकर रेडी है। बट ये सिंघाड़े के आटे के हलवे से 2 गुना ज़्यादा टेस्टी है और 2 गुना ज़्यादा एनर्जेटिक भी है, क्योंकि हमें व्रत में चाहिए होता है कुछ एनर्जेटिक, कि हम जो भी खाएं उसे काफ़ी एनर्जी मिले। तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर मैंने घी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए दिया है, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हलवा, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है कच्चे वाले घी का। तो फ्रेंड्स, इस तरह के मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाल रखे हैं ऑलरेडी नवरात्र स्पेशल वीडियोज़ करके। ऊपर आपको आई बटन पर सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके नवरात्र स्पेशल के बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और पर्सनलाइज के ऊपर जो ऑल लिखा है वहां पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।